लुधियाने शहर विच 39 मिनट विच चोरी करन दा मामला है जिहड़ा वेखण नूं मिलिया। दस्सिए कि चोर ने घर विचों नकदी अते करीब 5 लाख दे गहने चुरा ले। जिस घर विच चोरी हुई उस विच 3 महीने बाद लड़की दा विआह, लड़की नूं जिहड़ा पहनाउण वाले जिन्ने भी गहने सी ओह चोर चोरी करके लै गया, जिसकी शिकायत पुलिस नूं दित्ती गई है। दस्सिए कि अमरजीत ने दस्सिया कि गोपाल नगर चौंक दे कोल शिव शक्ति कलोनी दे विच उसका घर है। देर रात 3 बजे के करीब चोर उन्होंने घरों बाहर बनी गैलरी की दीवार से चढ़ के उन्होंने बेटे अनिल वर्मा के कमरे की अलमारी के गहने नकदी चोरी करके फरार हो जाते हैं। बदमाश कमरे तो वापस 3:36 से उस ही दीवार रस्त्यों बाहर आते हैं। अमरजीत ने कहा उन्होंने बेटी का 3 महीने बाद ब्याह, उन्होंने पाई पाई जोड़ के बेटी के लिए गोल्ड के जिहड़े जवाहरात से जेवर से वह गहने बनवाए हुए सन। अमरजीत ने कहा कि उन्हों का बेटा अनिल वर्मा पत्नी के बच्चे के नाल करनाल है, जिहड़े अपने सहुरे गया होया सी। जद 8 बजे दुध लैके घर के वापस आ रहे सन, उन्होंने निगाह बेटे के कमरे च पई। अलमारी के समान बिखरिया पिया सी। थाना टिब्बा की पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, जुड़े रहो लुधियाना लाइव नाल। लुधियाने शहर विच 39 मिनट विच चोरी करन दा मामला है जिहड़ा वेखण नूं मिलिया। दस्सिए कि चोर ने घर विचों नकदी अते करीब 5 लाख दे गहने चुरा ले। जिस घर विच चोरी हुई उस विच 3 महीने बाद लड़की दा विआह, लड़की नूं जिहड़ा पहनाउण वाले जिन्ने भी गहने सी ओह चोर चोरी करके लै गया, जिसकी शिकायत पुलिस नूं दित्ती गई है। दस्सिए कि अमरजीत ने दस्सिया कि गोपाल नगर चौंक के कोल शिव शक्ति कलोनी दे विच उसका घर है। देर रात 3 बजे के करीब चोर उन्होंने घरों बाहर बनी गैलरी की दीवार से चढ़ के उन्होंने बेटे अनिल वर्मा के कमरे की अलमारी के गहने नकदी चोरी करके फरार हो जाते हैं। बदमाश कमरे तो वापस 3:36 से उस ही दीवार रस्त्यों बाहर आते हैं। अमरजीत ने कहा उन्होंने बेटी का 3 महीने बाद ब्याह, उन्होंने पाई पाई जोड़ के बेटी के लिए गोल्ड के जिहड़े जवाहरात से जेवर से वह गहने बनवाए हुए सन। अमरजीत ने कहा कि उन्हों का बेटा अनिल वर्मा पत्नी के बच्चे के नाल करनाल है, जिहड़े अपने सहुरे गया होया सी। जद 8 बजे दुध लैके घर के वापस आ रहे सन, उन्होंने निगाह बेटे के कमरे च पई। अलमारी के समान बिखरिया पिया सी। थाना टिब्बा की पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, जुड़े रहो लुधियाना लाइव नाल।